Hello guys, welcome to my channel. My name is Anusha and today our topic is Knowing Our Numbers Exercise 1.1. So let's start. Question number 1. Fill in the blanks. A. 1 lakh is equal to 10,000. तो question number 1 में हमें blanks में fill करना है. 1 lakh is equal to blanks 10,000. तो हमें यह लिखना है कि 1 lakh में कितने 10,000 आते हैं. तो इसके लिए हम 1 lakh लिखेंगे. 1 lakh में 6 zeros आते हैं, 5 zeros आते हैं और 10,000 में 4 zeros आते हैं. तो यहाँ हमें 10,000 को 1 lakh के इक्वल बनाने के लिए हमें इसमें 10 ऐड करना होगा. 10 ऐड करने के लिए हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका मतलब होगा कि हमें 10 बार 10,000 लेना है. तो 1 lakh इज इक्वल टू 10 10,000. 1 million इज इक्वल टू ब्लैंक्स 100,000. तो अब हमें लिखना है कि 1 million में कितने 100,000 होते हैं. तो इसलिए इसके लिए हम 1 million लिखेंगे. इसमें 6 zeros आते हैं और 100,000 में 5 zeros आते हैं. तो यह 100,000 में 1 zero कम है तो हमें इसे 1 million के इक्वल बनाने के लिए 1 zero ऐड करना होगा. तो हम यहाँ 10 लिखेंगे. तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 million के इक्वल हो जाएगा. 1 crore इज इक्वल टू ब्लैंक्स 10 lakh. तो 1 crore में 1 crore में 1 crore में 7 zeros आते हैं और 10 lakh में 6 zeros. तो यहाँ भी 1 zero कम है तो हमें इससे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. 1 crore इज इक्वल टू ब्लैंक्स मिलियन. तो 1 crore में 7 zeros आएंगे तो हमें इसे मिलियन में कन्वर्ट करना है. तो मिलियन में हमें पता है 6 zeros आते हैं तो 1 zero कम है तो इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका मतलब होगा कि 1 crore इज इक्वल टू 10 million. तो हम यहाँ 10 लिखेंगे. ई 1 million इज इक्वल टू ब्लैंक्स लैक. तो 1 million में 6 zeros आते हैं और 1 lakh में 5. तो हमें इसमें भी 1 zero ऐड करना है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. हमें इस क्वेश्चन में नंबर्स के नेम्स दिए गए हैं उसे हमें कॉमास लगाने हैं नंबर्स में और न्यूमरल्स लिखने हैं. तो फर्स्ट नंबर है 73,75,307. तो सबसे पहले हम इसे नंबर्स में लिखेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे 73 लाख. तो 73 लाख के बाद 5 नंबर्स आते हैं तो हमारे इसके बाद 5 नंबर्स आने चाहिए. इसके बाद है 75,000. तो अब हम लिखेंगे 75,000 और
307। तो यहाँ हमें 73 लाख के बाद हमारे 5 नंबर्स आ गए, तो ये हमारा नंबर करेक्ट है। अब हम इसमें कॉमास लगाएंगे, 73,75,307। तो इसमें लैक आया है, तो ये इंडियन सब सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का नंबर है, तो हमें पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना होगा, फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये हो गया 73,75,307। बी 9,05,41,000। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 9 करोर, उसके बाद है 5 लाख। तो 5 के दो प्लेस होते हैं, 10 लाख और लाख। तो लाख के दो प्लेस होते हैं, 10 लाख और लाख। तो यहाँ सिर्फ 5 लाख दिया गया है, तो 10 लाख की जगह पे हम 0 लिखेंगे और फिर 5, और उसके बाद है 41। तो यहाँ 1,000, 10,000, 100 की जगह पे कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम तीनों जगह पे 0 लिखेंगे और उसके बाद 41। ये हो, इसमें हम अब हम कॉमास लगाएंगे। तो इसमें क्रोर आया है, तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का नंबर है, तो हमें सबसे पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना होगा, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद और फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 9,05,41,000। सी 7,52,21,302। तो अब हम लिखेंगे 7 करोर, उसके बाद है 52,21,300, और टेंस की जगह पे कुछ नहीं है, तो 0, 2। और इसमें हम कॉमास लगाएंगे, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से 3 नंबर्स के बाद, फिर 2 नंबर्स के बाद और फिर 2 नंबर्स के बाद। डी 58,423,202। तो अब हम इसे नंबर्स में लिखेंगे, तो सबसे पहले 58,423,202, टेंस की जगह पे कुछ नहीं है, तो 0 और फिर 2। तो इसमें मिलियन आया है, तो ये इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का नंबर है, तो इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हमें कॉमास लगाने होंगे। तो यहाँ उसमें सभी जगह पे 3-3 नंबर्स के बाद कॉमास लगते हैं, तो हम पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 नंबर्स के बाद। ई 23,30,010। तो अब हम लिखेंगे 23,30,000, और 100 की जगह पे कुछ नहीं है, तो 0 और 10। यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, इसमें लैक आया है, तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का नंबर है, तो हम पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसे हमें कॉमास लगाने हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर है 7 है और 62। तो यह हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमास लगाने होंगे, तो पहले 3 नंबर्स के बाद, फिर 2 नंबर्स के बाद और फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 8,75,975,762। बी
यहाँ हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास लिखेंगे, पहले 3 नंबर्स के बाद फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया है 85,46,283। सी अब हम यहाँ कॉमास लगाएंगे, पहला 3 नंबर्स के बाद फिर 2 नंबर्स के बाद और फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 9,99,46। डी अब हम कॉमास लगाएंगे, पहला 3 नंबर्स के बाद फिर 2 नंबर्स के बाद और फिर 2 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 9,84,32,701। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ भी हमें कॉमास लगाने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर्स नेम्स लिखने हैं। ए यहाँ हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने हैं, तो हम पहले 3 नंबर्स के बाद लगाएंगे फिर 3 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया है 78,921,092। बी यहाँ हम कॉमास लगाएंगे, पहले 3 नंबर्स के बाद और फिर 3 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 7,452,283। सी यहाँ हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमास लगाएंगे, 3 नंबर्स के बाद फिर 3 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 99,985,102। डी यहाँ हम कॉमास लगाएंगे 3 नंबर्स के बाद फिर 3 नंबर्स के बाद। तो ये नंबर हो गया 48,049,831। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गई। मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। So that's all for today, and like, share and subscribe to my channel.